नमस्कार कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है आज दो नवंबर सबसे पहले आपको और आपके परिवार को हैप्पी धनतेरस जैसे कि कल का सेशन अगर हम देखें तो कॉटन कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा दिन था क्योंकि कल हमने कॉटन में जबरदस्त तेजी आते हुए देखी जैसे हमने पहले उम्मीद रखी थी कि वीकली चार्ट्स के ऊपर चाहे हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें चाहे इंटरनेशनल मार्केट की बात करें कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है जिसके चलते हमने टारगेट रखा था चौंतीस हजार से लेकर अड़तीस हजार तक तो कल के सेशन में हमने तैतीस का हाई लगते हुए देखा कॉटन नवम्बर वायदे में एक चीज देखने वाली बात यह है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के अंदर गिरावट आ रही है और भाव में तेजी आ रही है जो कहीं ना कहीं संकेत देता है शॉर्ट कवरिंग सिवियरली हाई है कल के सेशन में में हमने हमने करीबन की तेजी हमने खाली में आते हुए देखी ऐसा ही कुछ हाल कपास में भी था जहां पे हमने दो परसेंट से ज्यादा की तेजी बनते हुए देखी ओपन इंटरेस्ट में तेजी का मतलब है यहां पे हमने फ्रेश बाइंग मार्केट में बनते हुए देखी है वही कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो मार्केट काफी मिला जुला था Open interest भी भी था, था, धीरे-धीरे जा रहा है है है। जैसे हमने cotton के लिए forecast किया था, वैसे ही cotton oil cake की अगर हम बात करें, तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में का भी level cotton oil cake दिखा सकता वहीं आइस कॉटन ने फिर से एक नया रिकॉर्ड मार्केट में कायम किया है 120 के ऊपर निकलने से जो हमें लगता है कि कॉटन कॉम्प्लेक्स uh, के अंदर एक तेजी का बड़ा ट्रिगर है टेक्निकली चार्ट्स पे अगर देखें तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है जो कहीं ना कहीं 140 सेंट तक का भी लेवल अगले तीन से चार महीने में दिखा सकता है से टेक्सटाइल डिमांड डिमांड मार्केट मार्केट में बढ़ रही है है कहीं कहीं ना का सपोर्ट पे भी दिखाई दे रहा चाइना थोड़ा सुस्त था बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो फंडामेंटल काफी मजबूत है कॉटन कॉम्प्लेक्स में जो सपोर्ट मिल रहा है वो लो प्रोडक्शन राइजिंग डिमांड एंड सप्लाई कंस्टेंट इसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है साथ में प्रोजेक्शन भी दिया जा रहा है कि टाइट सप्लाई के चलते इस बार इंडस्ट्री चिंतित जरूर है बट बी टू सी डिमांड सीवियरली हाई है कॉटन के जो एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी बताई जा रही है बट कहीं ना कहीं रुपए में जो गिरावट है इस कमी को भरपाई कर सकता है आने वाले टाइम में कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा फेस्टिव मोड पे इंडिया आ चुका है जिसके चलते कंजम्पशन भी बढ़ रहा है थोड़ा भी टेक्निकल फुलबैक मिले तो लेने के लिए काफी अच्छा है ओवरऑल चार का टारगेट जल्द दिखा सकता है गुजरात के अंदर बारिश की वजह से थोड़े से हमने अपसाइड कैप होते हुए देखा है बट अगर सेंट्रल जोन की अगर बात करें तो ओवरऑल प्रोडक्शन के अंदर

2850 तक का लेवल देख पाएंगे आज का सेशन हो सकता है थोड़ा पुलबैक दिखा दे 200 मूविंग एवरेज के करीब जो करीबन पच्चीस सत्तर अस्सी के करीब का है तो पच्चीस सत्तर अस्सी के लिए बेचा जा सकता है दिन के सेशन में बट वापस बाय ऑन ड्रॉप की रख के के चलिए जब तक ऊपर मेंटेन है ट्रेंड बुलिश है जो इमीडिएट टारगेट तो 2850 तक का लेवल है बट लॉन्ग टर्म 4000 के लिए तैयार कर रहा आइस कॉटन के अंदर भी 120 का लेवल तोड़ने के बाद थोड़ा पुल बैक है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इकसठ अस्सी का है जो करीबन 111 के आसपास आ रहा है थोड़ा भी पुलबैक मिले लेके चलिए लॉन्ग टर्म 128 से 140 का टारगेट बन सकता है तो आज के लिए कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक में थोड़ा पुलबैक दिन के सेशन में रहेगा सेकंड हाफ काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए ओवरऑल कॉटन कॉटन सीड ऑयल केक दोनों में ही जबरदस्त तेजी रहने की उम्मीद है अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद